हम भलीभांति जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में कुछ भी अच्छा करना है तो बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमारे हैंडराइटिंग खराब है, अगर उसको ठीक करना है, तो लंबे अरसे तक बहुत जागरूक रह करके प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर के शरीर की, मन की आदत बदलती है। स्वच्छता का भी विषय ऐसा ही है। ऐसी बुरी आदतें हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गई है, हमारी आदतों का हिस्सा बन गई है, कि इससे मुक्ति पाने के लिए अविरत रूप से हमें प्रयास करना ही पड़ेगा, हर किसी का ध्यान आकर्षित करना ही पड़ेगा, अच्छी प्रेरक घटनाओं का बार बार स्मरण भी करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि आज स्वच्छता ये सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा है, ये जन समाज का, जन सामान्य का एक आंदोलन बनता चला जा रहा है। और शासन में बैठे हुए लोग भी जब जन भागीदारी से इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो कितनी ताकत बढ़ जाती है। पिछले दिनों एक बहुत ही उत्तम घटना मेरे ध्यान में आई, जो मैं आपके सामने जरूर कहना चाहूँगा। ये घटना है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले की। वहाँ के प्रशासन ने जन भागीदारी से एक बड़ा काम हाथ में लिया। 10 मार्च सुबह 6 बजे से लेकर के 14 मार्च सुबह 10 बजे तक 100 घंटे का नॉन स्टॉप अभियान। और लक्ष्य क्या था, 100 घंटे में 71 ग्राम पंचायतों में 10,000 घरेलू शौचालय बनाना। और मेरे प्यारे देशवासियों, आप जानकर के खुश हो जाएंगे कि जनता जनार्दन ने और शासन ने मिलकर के 100 घंटे में 10,000 शौचालय बनाने का काम सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया। 71 गांव ODF हो गए। मैं शासन में बैठे हुए लोगों को, सरकारी अधिकारियों को और विजयनगरम जिले के उन गांव के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए बड़ा प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।